क्योंकि हमेशा ये जो जुल्म करने वाले सरकार है वो कहते हैं कि इस देश में वो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान लाएंगे। मैं साउथ से हूँ, मैं केरला से हूँ और इसीलिए मैं हिंदी में नहीं बोलूँगी। मैं नहीं मानती हूँ कि हिंदी इस देश का एक ही नेशनल लैंग्वेज हो सकता है। सो एज अ मैटर ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस, हालांकि मैं हिंदी में बोल सकती हूँ, मुझे ये भी पता है कि यहाँ पे साउथ से लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट से लोग हैं, कश्मीर से लोग हैं, बहुत से लोग हैं, तो मैं अभी अंग्रेजी में बोलूँगी, थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट भी करने की कोशिश करूँगी। आज हम कैसा हालत में आ गए कि ऐसी एक सभा में आके एक छोटी सी लड़की के पास मैं बैठी हूँ जिसका हस्बैंड तब्रेज पीट पीट के 8 घंटे के लिए पीट के मारे गए और पुलिस केस नहीं दर्ज किया, कोर्ट में भी नहीं। हमारे सारे इंस्टीट्यूशन, वो सिर्फ वो लोग नहीं थे जो उनको मार रहे थे, लेकिन पुलिस भी थे उनमें, कोर्ट भी थे उनमें जो इसका जिम्मेवार है। तब्रेज खान वॉज किल्ड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। इसी वक्त एक माँ के साथ बैठना पड़ता है जिसका जिसका बेटा गायब है, बहन के साथ बैठना पड़ता है जिनकी बहन को गोली से मार दी गई है। व्हाट अ शेमफुल कंट्री वी कम फ्रॉम नाउ, जो सबसे गरीब बच्चे हैं सड़क पे वो झंडा बेचते हैं और ये मेरा भारत महान वाले स्टैचू बेचते हैं, लेकिन हमारा भारत इस वक्त महान नहीं है। जो अगर हमें महान बनाना है तो बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ेगा। अभी अभी जो लोग हैं मंच पे वो स्पेसिफिकली गौरी लंकेश के बारे में, नजीब के बारे में, तब्रेज के बारे में, जुनेद के बारे में बोलेंगे। मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ। See, in the coming weeks, we are going to face the greatest test of all. This is recently I was reading. I have been reading a lot about the Soviet Union of the 1930s-40s and Europe of the 1930s-40s. And the similarities are so frightening. I was reading a book, a novel recently called In the Garden of the Pincy Continues. ये उपन्यास है इटली में 1930s में, 1920s और 1930s में जब फासीवाद बढ़ रहा था। उस टाइम में जो यहूदी थे इटली में सारे फैसिस्ट पार्टी में ज्वाइन हो गए थे। उन्होंने सोचा कि इसमें ये लोग अपने आप को बचा पाएंगे उस साइड में ज्वाइन करके, लेकिन एक एक करके उन्होंने कैंप में डाल के मार दिया। अब अगले महीने में या आने वाला पार्लियामेंट सेशन में ये लोग कोशिश करेंगे, उनको कोशिश करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका पूरा बहुमत है लोकसभा में, टू ब्रिंग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। उसमें साफ साफ ये लोग कह रहे हैं कि हम हिंदू सिख और बाकी सारे रिलीजन्स को नेचुरलाइज करेंगे, बट दे आर इन द मोड ऑफ वीडिंग आउट बांग्लादेशी मुस्लिम इंफिल्ट्रेटर्स। They are going to try to create the largest purge of citizenship in history. This is what I believe. उनका कोशिश यही होगा। अब इसके बारे में बात करने से लोग कहते हैं कि लोगों को डराना नहीं, लेकिन ये लोग
एक पूरा केओस का मशीनरी तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमें अपने आप को बचाने में इतना डर जाएंगे लोग कि किसी को पता नहीं होगा कि क्या हम जमीन में खड़े हैं कि हमारे पैर के नीचे जमीन है या नहीं है। तो what is happening today is that they are using these euphemisms, you know, whether it's Pakistan, whether it's Kashmir, whether it's Bangladeshi infiltrators, or whether it's Muslims, everyone is being used and set against everybody else. Lekin abhi ye waqt aa gaya ki hame apna identity ko छुपाना नहीं चाहिए, और किसी आइडेंटिटी को लेके इस डेमोक्रेसी में हम लोग कैसे लड़ेंगे इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि पूरा प्रोपेगेंडा इनके पास है। जैसे किसी ने बाहर से मुझे पूछा कि फॉक्स न्यूज़ है अमेरिका में, आप इंडियन मीडिया को इसके मुताबिक कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो आई सेड टेक फॉक्स न्यूज़ multiplied by 424/7 news channels in every language you can think of. That is the propaganda environment in which we live. Those are the lies against which we live. The entire political class has failed us. As the BJP's, as the country's GDP goes down, the BJP's GDP has almost become that of a small country. You know, so they can buy everybody or crush anybody. So how are we going to fight this? The political parties that we have are not going to come to our rescue. We have to fight it ourselves. Like Apurvana said, we have to fight it ourselves bravely, and it is going to be a fight. There is no precedent in history in which fascism wins. Fascism cannot win, but today they have destroyed every institution. They've destroyed universities, you know, they are trying to destroy JNU. They have destroyed universities, they've destroyed the economy, they've destroyed the media, they've destroyed all the investigation agencies, they've destroyed the judiciary. So it is a situation where traditionally fascism has been destroyed when there has been a war, there has been devastation, and from the ashes something new has risen. How are we going to fight this? But we have to understand that no longer can we, especially the Muslim community, it has to become political, it has to become united, and it has to be unafraid of asserting its identity, because you are also being जैसे media में जो सबसे radical और जो सबसे उनके लिए फायदेमंद लोगों को बुलाते हैं और पूरा मुस्लिम community को उसी रंग में पेश करते हैं। तो ये सब सोच के हमें आगे जो आने वाले दिन हैं बहुत बहुत इट्स गोइंग टू बी अ टाइम वेयर वी वोंट नो वेदर द अर्थ इज द अर्थ एंड द स्काई इज द स्काई। वी हैव टू रियली लुक इनटू द लेसंस ऑफ हिस्ट्री। जैसे असम में NRC में जो किया गया है कि आपका नाम NRC में आ गया भी तो लोगों को ये राइट है आप ऑब्जेक्शन रेज करना, यू नो, सो योर ओन नेबर्स कैन टर्न अगेंस्ट यू। दिस इज द काइंड ऑफ माहौल दैट दे आर ट्राइंग टू क्रिएट, वेयर पीपल आर बीइंग सेट अगेंस्ट पीपल, यू नो, एंड सो lynching, killing, disappearances, these are the symptoms of a very, very big disease. And we are living in a society that is at the moment very, very sick. Very, very sick. And we have to find a cure for it.
इंकलाब जिंदाबाद।